नमस्कार मैं हूं फरहान और 9 एस पी एन नाइन के आप सभी का स्वागत है किस तरह हिंदुस्तान में आपने देखा मौजूदा जब चुनाव हुए लोकसभा चुनाव हुए आम चुनावों के दौरान चुनाव आयोग किस तरह पक्षपात करता नजर आया उसका नजरिया किस तरह से देखने को मिला एक भारतीय सत्ताधारी दल के खिलाफ कैसे उसका झुकाव था जिस तरह लगातार सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया सेना के शौर्य का प्रयोग किया गया अपनी जन रैलियों के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अमित शाह ने भी किया और भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने किया उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को सामने रखा और उन्होंने अपने जो प्रचार करने के लिए बैनर बनाए गए थे वहाँ भी सेना के की तस्वीरों को छापा जहाज़ों को छापा एयर स्ट्राइक करने करते हुए सेना को छापा इस तरह की बातें सामने आई सर लगातार सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जाता रहा है पहले भी किया जाता था लेकिन उस वक्त का चुनाव आयोग और आज का चुनाव आयोग क्यों इतना बदल गया पहले संज्ञान लिया जाता था कुछ इंदिरा गांधी इसकी जद में आई थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी जद में नहीं आए अब कही न कहीं ना कहीं यह कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसकी जद में आ चुका है वह भी कहीं ना कहीं पक्षपात नजरिया उसका दिखाई दे रहा है लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही भारतीय जनता पार्टी शायद हाईजैक कर लेगी या हाईजैक कर चुकी है यह कयास लगाए जा रहे थे जबकि ये कथित बातें हैं इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन जस्टिस बोबडे ने जो इस वक्त जो बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं एक विचार होना चाहिए कि व्याख्या की जानी चाहिए और कुछ शब्द तो सामने आने ही चाहिए भले वे जस्टिस हैं लेकिन हमें भी व्याख्या करने का अधिकार है हम कुछ ना कुछ तो बातें सामने कहेंगे तो इस दौरान उन्होंने यह कहा है कि यदि जनता को सड़कों पर आना है तो वह न्यायालय के पास ना आए तो यहाँ पर एक लकीर खींच दी है जस्टिस बोबडे ने उन्होंने कहा है कि या तो वह न्यायालय के पास आए या तो अपने मौलिक अधिकार को छोड़ दें वह यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन ना करें कैसे यह मुमकिन है प्रदर्शन भी करेंगे और न्यायालय के पास भी जाएंगे प्रदर्शन करके हम सारी जनता को बताएंगे पूरे देश को बताना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से गलत नीतियाँ पेश कर रही है जिस तरह से संसद में उन सांसदों ने जिनको जनता ने चुनकर भेजा है जिसमें से कई हत्यारे भी हैं जगन अपरा अपराधियों अपराधों में घिरे हुए भी हैं आरोपी हैं हत्या के मामले में उससे भी जगन अपराध हैं अपहरण करने के अपराध हैं जो उन लोगों ने अपराधियों ने जो कथित अपराधियों ने मिलकर के जो कानून बनाया है तो उसके खिलाफ़ प्रदर्शन क्यों नहीं होगा क्यों केवल हम न्यायालय जाएंगे न्यायालय में एक समय सीमा लगती है उसका प्रयोग बिल्कुल किया जा रहा है याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं उसके आपके पास बिल्कुल आई है जनता कई राजनीतिक दल भी आए हैं और ऐसी बैठ अभी प्रतिनिधि मंडल भी आपके पास आ रहा है वहाँ पर कांग्रेस भी आपके पास आ रहा है लेकिन जनता प्रदर्शन क्यों ना करे छात्र प्रदर्शन क्यों ना करें यह आज भारत का अब में आज नई व्यवस्था नहीं है जब जयप्रकाश नारायण भी कांग्रेस के खिलाफ उतरे थे प्रदर्शन करने तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी जाने की व्यवस्था की जा रही थी हाई कोर्ट भी लोग जा रहे थे और छात्र भी उनके साथ प्रदर्शन में उतरे थे जिसलिए आज जेपी मशहूर हैं उनके आंदोलन मशहूर हैं छात्रों का सहारा उन्होंने लिया था छात्रों ने उन्हें बुलाया था नेतृत्व किया था उन्होंने छात्रों का तो आज भी शायद कांग्रेस छात्रों का नेतृत्व करेगी जयप्रकाश नारायण की तरह जिस तरह कांग्रेस उस दौरान निशाने पर थी आज भारतीय जनता पार्टी भी निशाने पर है लेकिन जस्टिस बोबडे के संबंध में आपकी राय आवश्यक है जिस तरह प्रदर्शन करने के लिए मना कर रहे हैं क्या उनका कहना जरूरी था या फिर किसी दबाव में कह रहे हैं संबंध में अभी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तब तक के लिए ज्यादा चाहूंगा नमस्कार